वेलकम इन योगा क्लास। बच्चों, यदि आपको प्राणायाम करने से पहले कोई भी मंत्र आपको याद ना हो तो आप अपना प्रारंभ 3 बार लंबे गहरे सांस के साथ ओम के उच्चारण के साथ में कर सकते हैं। पिछले प्राणायामों में अभी तक मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और साथ ही साथ त्रिबंध सिखा चुका हूँ। आज हम जानेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का विशेष लाभ प्राणायामों में हमारे जो गला है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो थायराइड ग्रंथि है, उसको सही करने में महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हमारे को थायराइड की समस्या है, इन बच्चों खास तौर से जो बच्चे होते हैं वो पौष्टिक आहार पूर्ण रूप से ना लेने के कारण और नियमित व संयमित रूप से अपना दिनचर्या ना बनाने के कारण उनको हार्मोनिकल डिजीज थायराइड हो जाती है, उसको दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम एक बहुत ही अच्छा साधन है। अब बच्चों, उज्जयी प्राणायाम को कराने से पहले हम आपको पूरी स्किल को कुछ पार्ट्स में तोड़ेंगे और तब उस स्किल को करेंगे। पहली स्किल में क्या करना है, आपको लंबा गहरा सांस लेना है और हिचकी लेनी। कैसे? यह हो गई पहली स्किल। अब दूसरी स्किल, अब इस हिचकी को लंबा खींचना। कैसे? मूल रूप से आपका जो आपका जो श्वसन तंत्र है, ये आपका अंदर को खींचना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस हिस्से की एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब तीसरी स्किल क्या है कि मुंह को बंद खींच करके तब लंबा खींचना और सांस वो गले से रगड़ती हुई जानी चाहिए। कैसे बच्चों? ये होगी हमारी थर्ड स्किल। अब चौथी स्किल में क्या होगा कि इसके बाद का जो स्टेप है उसमें क्या है कि आप अपनी गर्दन को नीचे झुकाना होता है, रोकना होता है ऐसे। इसे बोलते हैं जालंधर बंद। इस जालंधर बंद को आपको लगाना होता है और जब आपकी कैपेसिटी सांस को रोकने की खत्म हो जाए तो ऊपर को उठा के चिन को खुला कर देते, अर्थात हमें यहाँ पर बाह्य आंतरिक कुंभक लगाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो पांचवी स्किल है, पांचवी स्किल में क्या करेंगे कि हम जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो अपने राइट साइड की नोस्ट्रिल्स को बंद करते हुए नासिका से सांस को बाहर फेंकना है ऐसे। और जो छठी स्किल है उसमें क्या है, नीचे से जैसे हम पानी पीते हैं ना, लार जो हमारे अंदर लार बन जाती है, लार को सटकना है और ऐसे हाथों की रगिस करनी है। ये होता है बच्चों पूरा उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम को पूर्ण रूप से कर लेंगे, वन बाय वन करेंगे मेरे साथ में एक बार, धीरे धीरे स्किल के साथ में। किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, मैं जैसे वज्रासन में बैठा हूँ, आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपको सांसों को लेना है और सांस आपके गले से रगड़ती हुई जानी चाहिए। कैसे? सांसों को रोक के रखें, चिन को नीचे लगाएंगे, जालंधर बंद, और यहीं पर ही आपने कुंभक लगा रखा है और सांसों को अपनी गर्दन के पास में रोक के रखा है। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, फिर गर्दन को ऊपर कर देंगे और अब सांसों को बाहर निकालना है। राइट हैंड की राइट साइड की नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालेंगे। रुक जाएंगे, ये हुआ हमारा सबसे पहला राउंड। और इसे करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जिस किसी को भी हाई बीपी हो या हृदय से संबंधित रोग हो या सर्वाइकल हो, उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल वालों को गर्दन को झुकाना नहीं है, लेकिन गर्दन को सीधी करके वो कर सकते हैं। और यदि कोई आपको विशेष कोई रोग है तो आप योग शिक्षक की सलाह के अनुसार ही इस प्राणायाम को करें। ठीक है बच्चों, अब आइए कम से कम इसका 3 से 5 बार अभ्यास करना होता है। हम कम से कम आपको 3 बार इसका अभ्यास कराते हैं, आप सीख भी जाएंगे और करेंगे भी। कैसे करना, लंबा गहरा सांस अंदर खींचेंगे, गर्दन को नीचे झुकाया,
जालंधर बंद, सांसों को रोक के रखेंगे, कैपेसिटी खत्म होने के बाद सांस को ऊपर उठाएंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर एक बार करेंगे, ये हो गए हमारे तीन राउंड। अब जो उज्जैयिनी प्राणायाम करने से जो लार बनी है, उस लार को अंदर आपको पानी की तरह निगलना है और नीचे से ऊपर की तरफ हाथों से मसाज करनी है। कैसे? ऐसे। ये हुआ हमारा जालन, ये हुआ हमारा उज्जैयिनी प्राणायाम। अब हम अपने, जैसे हम पद्मासन में लंबे समय तक बैठे ना बच्चों, तो हम अपने आसन को खोल के अपनी पोजीशन को नॉर्मल कर सकते हैं। अब आप अपना नॉर्मल आ जाइए, उपमान्य स्थिति में आ जाइए, थोड़े से पैरों को हल्के हल्के चला लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे और सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। बच्चों आपने आज विशेष तौर से जिन लोगों को थायराइड होती है उसके लिए प्राणायाम किया। अब थायराइड के लिए साथ ही साथ आपने ये तो प्राणायाम किया ही किया, और उसके साथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता देता हूँ। जो ये हमारी हथेली होती है, हथेली का जो ऊपर का जो ये वाला हिस्सा होता है अंगूठे के पास का, उस हिस्से को दबाना होता है ऐसे करके, ऐसे दबाना है ये, ठीक है। और इसे दबाने से आपकी थायराइड थायराइड प्योर रहेगी, आप थायराइड को अपना ठीक कर सकते हैं। अभी इसी तरह से दूसरे हाथ से देखो, इसे ऐसे दबाना है, ठीक है बच्चों। और यदि हम क्लैपिंग कर लें ऐसे पूरी, तो ये हमारे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट है सारे दब जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बच्चों आज आपने जाना उज्जैयिनी प्राणायाम थायराइड ग्रंथि के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, गले के रोगों के लिए। आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं और अब करते हैं शांति पाठ। ओम देहो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर रख लेंगे आपस में और फेस पे लगा लेंगे। तो बच्चों ये हुई आपकी आज की योग की कक्षा का समापन। अगली कक्षा में फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।